गाइस भोपाल आ चुका हूँ मैं एंड सिमी सिमी क्या लेने को आई है तू? आईफोन 16 प्रो। कुछ लेने आई है ये, अभी मैं इसके साथ आया हूँ। गाइस व्लॉग की स्टार्टिंग देखो कितनी जबरदस्त हुई है। बाहर है ऐसा मौसम और हम जल्दी जल्दी सुबह 3 दिन मत आया व्लॉग ये बनाना याद। नहीं नहीं मैं व्लॉग कर रहा हूँ। झूठड़ी। अभी टाइम हो रहा है सुबह का टाइम तो नहीं है, 2 बजने वाला है। लोग पता नहीं कौन घड़ियां पहन पाएंगे रात में, मुझे पता नहीं है। चप्पल पहन ली बट घड़ी यार मेरे पास वो एयरफोर्स वन ही लाया हूँ मैं, तो वो स्कूटी पे गंदे हो जाएंगे। तो घड़ी पहननी जरूरी है? घड़ी इज इम्पोर्टेंट, वॉच इज लाइफ। ये तुम्हारी इस मैच बिल्कुल नहीं कर रही है ये वाली। तो कोई बात नहीं, अभी हम जा रहे हैं। इसने अभी इसने अपना ना आधार अपडेट कराया है ना कुछ कराया है। आज गड्डी गाइस स्कूटी है चला रही है बड़े टाइम बाद, नहीं तो जब से मैंने सीखी है मैं तो देता ही नहीं से। ये तो आज गलती से मैंने दे दी। क्यों सिमी झूठड़ी? क्या झूठड़ी? अभी मैंने खुद सीखी थी स्कूटी चलानी, तो तेरी स्कूटी पे प्रैक्टिस जरूर करी थी बट चलानी कुछ सीखी थी। अच्छा अभी हमने हमारा सीन ऐसा है कि एक मॉल है पास में, वहाँ पे है आधार का सेंटर, तो वहाँ तक जा रहे हैं। क्या हुआ? यहाँ से जाएंगे साफ रोड से। साफ रोड से? हम भी गंदी सड़क से। धूप निकली हुई है, कोई ना बंदा ना बंदे की जात बाहर। वो क्या है? बंदे की जात है ये। ये वाला मॉल है, बस आई गए हम मॉल के पास। आधार सेंटर तो कहीं नहीं लिखा इसमें, लिखा है हाँ हाँ वो नहीं। आधार सेवा केंद्र तो लिखा है। कहाँ दिख क्यों नहीं रहा मुझे? बीच में तो लिखा था बड़ा बड़ा। अच्छा हाँ 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 ठीक है, और हिंदी में लिखा था ना, दिखा नहीं। आगे पीछे चलना पड़ेगा। ये मॉल में आधार सेंटर मैंने पहली बार देखा है। मॉल में आधार सेंटर मैंने पहली बार देखा है। पुराना मॉल है यहाँ पे, कोई लेफ्ट यहाँ से बोला उसने लेफ्ट है आगे। आ जाओ बैठे टोकन लेने। भाई कम से कम नहीं तो 1 घंटा लगेगा हमें यहाँ पे, इतना क्राउड है बट अच्छे से मेंटेन है, बट टाइम बहुत लगेगा। ये देखो कितने सारे लोग हैं, लोग ही लोग हैं। गाइस अपडेट तो हो गया, टाइम लगा है बहुत, कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट लग गए हैं हमें वहाँ खड़े खड़े, 1 घंटा इन टोटल। पता शता है नहीं, फायर एग्जिट से पता नहीं कहाँ ले आई मुझे। हाँ ये चलो भैया अभी कहाँ एच एन एम जाना है? एच एन एम जाना है ना? हाँ चलो एच एन एम चलते हैं फिर घर चलते हैं। घर पे भी जो सिमी ने अपने लिए वॉशिंग मशीन मंगवाई है वो आ चुकी है। अपने लिए तो ऐसे बोल रही थी मैं, उसमें अंदर बैठ के झूला झूलूंगा। और क्या गाइस ये ले आई बिल्कुल सुनसान मॉल में, यही होता है हॉन्टेड सीन्स शूट आज। ओहो वैलेंटाइन्स का रेड थीम लगी हुई है चनम में। वैलेंटाइन्स कहाँ से आ गया अभी? वैलेंटाइन्स नहीं, ओह वैलेंटाइन तो उसमें चल रहा है जेठालाल में। मैं कंफ्यूज हो गया। ये देखो सिर्फ H&M और पूरे मॉल में घंटा कुछ नहीं है, और पूरे मॉल में है ही कुछ नहीं, तो इसलिए चलता है क्योंकि H&M है। हाँ और एक ही है तो मैं क्या कि ये करना लग तो रही है बट नहीं करना, और कुछ है ही नहीं यार, खोल लेना चाहिए ना कुछ ना कुछ। गाइस इसके 40 नहीं इसके 70,000 होने वाले, उस चक्कर में ये मुझसे शॉपिंग ले रही है LPM. और लेती है ब्लैक और वाइट ही है जो मर्जी यार। तुम ऐसे फिर बेइज्जती करोगे तो फिर मैं जा रही हूँ। बेइज्जती थोड़ी, तुम ही तो इन्फ्लुएंसर हो। छोड़ो चलो यहाँ से, ये ना ये याद रखना यहाँ पे टंगा है क्या। हाँ हाँ कौन चलो जी देखना लैपटॉप बैग, मैंने सोचा है क्या पड़ा है बड़ा फर वाला लग रहा है। वीगन है, वीगन 1500 रुपए का। यो ये बड़ा सॉफ्ट होगा। ओए मम्मी
कोटी ले लै मरून कलर दी, सारे सूटा ना तेरे मैच कर करके पा लिया करी। अच्छा निकल आया कलर ब्लैक, तो ये बच्चे मेरे को कलर ही बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया चक। क्या अभी हम मेन सेक्शन में आ गए गाइस, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो जो तुझे पसंद है वो मैं मतलब देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हम पसंद कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कलर ही बढ़िया है, कलर अच्छा है, इसके साथ क्रीम पग पहन सकते हो अगर आप देख रहे हो तो। चलो अच्छा आपको लेने के लिए बोल रहे हैं, लेने यार अभी टी शर्ट लेने का कोई सेंस नहीं है, वहाँ पर ठंड आने वाली है। ये शर्ट अच्छी लग रही है, ये कैसी लगी तुझे अगर इन जनरल इन दोनों में से अगर चूज करना, इन दोनों में से अगर तुझे चूज करना क्रीम वाली? चलो ये महाराज जे तुसी कितने जाना हो ट्रिप ट्रुप ते फिरोजी जे जांगा कशर इस पे क्या बना, ये काफी पहुंची हुई हस्तियां ने, काफी पहुंची हुई हस्तियां ने, ये हुड अच्छा लग रहा नहीं। ये यहाँ पे ये इनके हुड्स पता है जनरली अच्छे होते हैं, तुम देखो गैस ये दिला तो देगी बट बात ये है नहीं नहीं मैं वो नहीं बता रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहन के ये देख जैसे आजकल एयरपोर्ट लुक के लेकर किसी को करना है तो भाई ये कर लेना, ये अच्छी लग रही है। ये शर्ट देखियो ये भी अच्छी लग रही है यार, ये देख हुड में अगर मैं देखो सच्ची बोलो ना ये क्वालिटी मच बेटर है, ये देख अंदर से देख ओ निग्गा ही निग्गा, मैं कहा माल को और प्राइस कंपैरिजन भी सही, 2300 रुपए का वो है 2300 का ये है। कौन सा वो है? वो जो मैंने पहले परले वाले पास से दिखाया था तुम्हें, और देखो आ देख आ भी हुड कहते बढ़िया है ये भी, आप जो भी आएगा बाहर निकल के अंडरस्टैंड मत करना, वो पीछे इतने से बाहर है हम, मैंने तो बाहर चल कर रहा है यहां पे वो चल रहा है फैशन शो। ये लो गाइस शर्मा विष्णु यहां का फेमस, कुछ भाई भूख से नूडल्स खाएगी नहीं, क्या खाएगी भाई? वहां से तो कुछ खाया नहीं, वहां पे सफाई चल रही थी, यहां पे खाया हमने पैटी, भूख लग रही है बट पैटी के साथ ना मैंने वो खा ली दही पूरी, दही खट्टा सिगा मुंह का स्वाद सारा सदिया नास्ते कर दिता ते आ जाते। चलो जी बैठो, खोपड़ी दुख रही है व्यू देखो गाइस, सुंदर सुंदर लग रहा है, हमारा गाड़ी चलाते हैं। गाइस कार आए असी एंड आप देखिए कि मशीन वाला आ गया, मशीन आपको अभी ऊपर जाके मैं दिखाता हूँ, मशीन आ गई है। हमको कैसे पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने वॉशिंग मशीन खरीदी कब? हमको कुछ नहीं पता, हमने खरीद ली है वॉशिंग, मैंने बताया था नहीं गाइस, सिमी ने वॉशिंग मशीन खरीदी है सिमी ने है, तो उसमें क्या है अभी हम वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करने के लिए, सिमी ने वॉशिंग मशीन खरीदी है, हेयर सिमी ने गीजर खरीदा है, सिमी ने ब्लेंडर खरीदा है, दिवाली का ये मना रही है तो उन्हें क्या कहते पंगा ये होया कि जो वॉशिंग मशीन का जो पाइप है ना वो एक पर्टिकुलर टैप की नोजल में लगेगी, वो वाला टैप वाला नोजल हमारे पास था नहीं, ठीक है मुझे भी पता नहीं था, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा नोजल चाहिए तभी आपका ये बन पाएगा भैया मशीन। कहाँ जा रही है? बैटरी की और पड़ेगा। क्यों तू चला रही है? यस चला ले, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव मैन, सॉरी ड्राइव बोल, इंग्लिश भी सिमी की थोड़ी थोड़ी बीच में फ्लो में निकल जाती है, नहीं निकलती फ्लो में, तुम इंग्लिश नहीं निकाल रही, नहीं निकाल रही अभी हम वो पाइप का नहीं टैप का आगे वाला नोजल लेने जा रहे हैं। चलो जी आक्रमण आक्रमण, मेरे को ऐसा व्यू आता है सिमी यहाँ पे तो मुझे दिखता ही नहीं है, ये बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है गाइस, नोजल लेने ये डीमार्ट तक आई है पता नहीं क्यों नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, नोजल हमने ले लिया रास्ते में एक दुकान थी वहाँ से मिल गई है नोजल आगे फिट करने वाली, और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जिसने ये पेंटिंग बनाई है। इस घर आ गए हैं डीमार्ट से भी,
और एक ये चाहिए था ऑटोमेटिक मशीन में टैप चेंज करने के लिए, बाद ये लगता है मेरे हाथों कैसे। देखो ये वाला ऐसा ये निकलेगा और ये वाला लग जाएगा। ओहो अरे गैगी तुमको नहीं आएगा करना बेटे। हाँ ये देखो ऐसे ही वाला लग गया, बन गया। मेरा टैटू देखो, शीशा बहुत ज्यादा गंदा है, बट पंगा ये है कि वो टैप जो पूरा है वो 600 रुपीस का हो रहा था और ये छोटा सा एक्सटेंशन 50 रुपीस का है। तो अगर आप भी ऑटोमेटिक मशीन लगवा रहे हो तो ये कर लें। क्यों दिख रही है तो इसमें ब्लू वाला तो मैंने उठाया ही नहीं अभी मुझे बोल रही है कि आपने एक टॉप गलत उठा लिया। मैंने गलत उठाया ही, मैंने जो उसने मेरे को दो टॉप बोले, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ चैनल से क्या क्या लेके आई है। इसने मुझे दो टॉप बोले थे कि गगन ये उठा लेना दोनों, तो मैंने वो साइज उठा लिया था जो इसका परफेक्ट था। अभी H&M से मैं दिखा देता हूँ क्या क्या लेके आई है। एक ये बैग लेके आई है, ओके गुड। ये इयररिंग्स थे, ये कहाँ है वो डब्बे पे गए ये तो फिर ये कैसे पता चलेगा क्या था, सारे सेम डिजाइन के। ये टॉप नंबर वन, टॉप नंबर टू, टॉप नंबर थ्री और ये सारे टॉप 500 रुपए के। ये छोटा आ गया ना, चल कोई नहीं ये चेंज हो जाएगा। सही है गाइस, अगला दिन हो गया एंड रात को जो मैं सोया हूँ, पर मैंने आपको मशीन दिखाने का वो बोला था बट मशीन अभी तक खुली नहीं है, तो मैं इन जनरल आपको ऐसे दिखा देता हूँ ऊपर ऊपर से। ये ऐसी ऐसी है कुछ, ठीक है। तो जब इंस्टॉल होगी, आज इसमें लगनी थी वो नोजल, ठीक है, तो आज वो इंस्टॉल होगी तो पता चलेगा। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे खत्म। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल के बेल आइकन को हिट करो। टिल देन सेव एंड शेयर दिस रील। ये इंस्टा घुस गया यहाँ पे। चलो सी यू गाइस इन नेक्स्ट ब्लॉग, चंगा फिर अगली।